हजरत फातिमा के विसाल का वक्त आया, इंतकाल का, तो हजरत अस्मा बिनते उमैस को बुलाया और बुला के फरमाने लगी, तू मुझे गुसल देना और सिवाय मेरे शौहर मौला अली के किसी और से मदद भी न लेना। और फरमाने लगी, मैंने हबशा के बारे में सुना है कि वहाँ जब बीवियों का जनाजा उठता था, चारपाई के ऊपर यूं करके इस तरह करके लकड़ियां लगाते थे, नीचे बांध लेते थे और लकड़ी में लचक हो तो ऊपर जाके फिर उसको बांध देते थे तो पर्दा बन जाता था। फरमाया, मैंने अली को बता दिया है, तुम्हें भी बता रही हूँ, जनाजा मेरा रात को उठाना और लकड़ियां लगा के ना तो ऊपर पर्दा कर लेना, मेरे वजूद पर पड़ी हुई चादर पर भी किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। रात को जनाजा उठाना और रात को मुझे दफन कर देना मदीना मुनव्वरा में। हुजूर के विसाले जाहिरी के 6 माह बाद जनाबे फातिमा जहरा का जनाजा उठा तो मस्जिद नबवी शरीफ से एक शख्स अपनी दाढ़ी आंसुओं से भिगोता हुआ निकला। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खड़ा करके पूछा, क्यों नबी पाक के चचा अब्बास रोते क्यों हो? हजरत अब्बास कहने लगे, पहले हुजूर गए थे, अब नबी पाक की तस्वीर भी चली गई। क्या हुआ? का जनाब फातिमा का विसाल हुआ और जब जनाजा पढ़ा करके बाहर निकले तो हजरत अली शेर खुदा की आंखों में आंसू थे। इसमें काली रोते क्यों हो? माने लगे, सिर्फ फातिमा नहीं गई, मुस्तफा करीम की उम्मत के लिए दुआएं करने वाला एक बड़ा हाथ रुखसत हुआ है।